दोस्तों, शेयर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, आपका बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। सर, मेरे पास सीडीएसएल के 30 शेयर थे, जो अभी बाय 1/1 बोनस मिल गया, 60 हो गए, प्राइस ऑफ 348 नाउ। तो मेरा क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है आपकी खुशी के पीछे का रीजन। सर, मुझे ये कि बीएससी के बाद सीडीएसएल में भी गजब कर रखा है। क्या पूछूं? सर, इसको मैं अभी नेक्स्ट, क्या ये अपना ऑल टाइम हाई के पास जाएगा दोबारा, जो अभी बोनस शेयर से पहले था उसका? बोनस शेयर मिलने से पहले जो हाईज थे वो छुएगा नहीं छुएगा? हाँ जी आज नहीं तो कल छुएगा, ओके। लेकिन अभी से कैसे स्वाति बता देंगे कि डबल हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ से। सर, इसको लेकिन सीडीएसएल चार्ट्स पे स्वाति कैसा लग रहा है भाई? मैम की यहाँ पे भी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, 350 रुपए की। यस, डेफिनेटली काफी स्ट्रांगली काउंटर है ये, एंड काफी अच्छे लेवल्स पे उनका बाइंग हो चुका है। इनका होल्डिंग पावर भी काफी स्ट्रांग है, तो रियली एडमायर योर कॉल्स कि अब काफी अच्छे लेवल्स पे उनका बाइंग हो रहा है। यस, डेफिनेटली जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप है काफी स्ट्रांग है, अभी भी इसमें उम्मीद है कि हमें, आप जिस हिसाब से पूछ रहे थे कि बोनस के पहले जो एक हाई था अराउंड 1664 के रेंज में, डेफिनेटली उसके ऊपर जाते हुए मुझे नजर आ रहा है। 1800-1900 के लेवल्स के मैं टारगेट्स देख रही हूँ, क्योंकि ये काउंटर इतना स्ट्रांग है कि मंथली चार्ट में भी अभी भी अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहे हैं, कोई भी रिवर्सल्स ऊपर से नीचे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप होल्ड करें, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग चाहते हो या फिर एक स्टॉप लॉस चाहते हो, तो यू कैन कीप 1250 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1800 लेवल्स। शेयर मार्केट में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप अपडेट रहें।